प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं बाकी बची 5 सीटों के लिए भाजपा एक दो दिन में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। इन 5 सीटों के लिए नई दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ने नामों को फाइनल भी कर लिया है, बस घोषणा होना बाकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने भी चुनाव समिति की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश की सभी 285 सीटों के नाम का पैनल फाइनल कर लिया है और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषित प्रत्याशियों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद को तरजीह देते हुए अधिकतर समर्थकों को टिकट दिए हैं, जबकि बची हुई 5 सीटों पर भाजपा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समर्थकों को टिकट देने का प्रयास करेगी। हालांकि इनमें से भी कुछ सीटों पर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का ध्यान रखते हुए उनके समर्थकों को टिकट दी जा सकती है। वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन की, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उज्जैन जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। वहीं अलोट विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उज्जैन अलोट लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद अनिल फिरोजिया प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस सीट से किसी नए चेहरे को लोकसभा प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी की पहली सूची में इन सीट पर प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी ने नहीं की है। यहां सीएम समर्थक प्रभुलाल जाटव की बहुरानी जाटवा के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ ही पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, जो वर्तमान में अलोट से विधायक है, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताल ठोक दी है। अब देखना होगा कि भाजपा वर्तमान सांसद या पूर्व सांसद के साथ नए चेहरे पर भरोसा जताती है या नहीं। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री, और हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है और हमारे अपने प्रतिपक्ष के नेता खुद कह रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं, अब की बार ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार पुनः सरकार बने और भारत दुनिया का नंबर वन देश बने और हमारा मध्यप्रदेश देश के अंदर नंबर वन का प्रदेश बने। इस कारण से खास करके हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अपनी कार्य पद्धति, हम सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते हैं, सबके सुझावों का सम्मान करते हैं, सबके साथ सुख दुख अच्छे बुरे सभी के साथ खड़े होकर के हमारी वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसका प्रकटीकरण करते हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उज्जैन आलोक लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस महेश परमार या रामलाल मालवीय में से किसी एक पर दाव खेल सकती है, और इस सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर महेश परमार का नाम सामने आ रहा है। महेश परमार का नाम इसलिए दूसरे दावेदारों पर भारी पड़ रहा है क्योंकि एक तो उन्होंने बीजेपी की हवा में कांग्रेस को तारना से विधानसभा सीट दिलवाई थी, दूसरा पूरे इलाके में उनकी अच्छी खासी जमीनी पकड़ भी है। हालांकि महेश परमार ने उज्जैन महापौर पद का चुनाव लड़ा था और वो मात्र 700 वोटों से चुनाव हारे थे। उनकी ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए उनके समर्थक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की तरफ से टिकट पक्का मानकर चल रहे हैं। प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 28 उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया है और इन 11 सीटों पर सिंगल नाम है, जबकि 14 सीटों पर दो दो नाम का पैनल है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर ली है। वहीं कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पहली लिस्ट में जिन 17 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है उनमें से सिंगल नाम वाली 11 सीटें शामिल हैं। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहां 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। भोपाल और इंदौर के मामले में पैनल जरूर तैयार किया गया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन 11 सीटों पर सिंगल नाम तय किए हैं उन नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगा सकती है। इनमें सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, सागर, मांडला, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मुरैना सीट शामिल है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को टिकट मिलना तय माना जा रहा है, और इसी तरह से सीधी से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व भिंड सीट से फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा जा सकता है।
खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पीएससी अध्यक्ष कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतेगी। ये सीट खरगोन, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, धार, बालाघाट, राजगढ़, टीकमगढ़, रतलाम, मंडला शामिल है। सोचता हूँ कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 की तरह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले करके कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। जिस तरह से कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा किया था, जबकि बहुमत बीजेपी को मिला था, ठीक उसी तरह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए कमलनाथ प्रदेश में 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सभी सीटें जीतने के साथ पूरे देश में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव का परिणाम बताएगा कि किसके दावे में कितना दम है।